प्रश्न संख्या तीन, माने देशराज गणवाल जी, माने मंत्री जी, प्रश्न संख्या तीन। जी हाँ, वर्तमान में किसी सार्वजनिक सेवायान के दुर्घटना में अंतग्रस्त होने पर उत्तराखंड सड़क परिवहन राहत निधि के अंतर्गत मृतक आश्रितों एवं घायलों को राहत राशि निम्नानुसार प्रदान की जाती है। दुर्घटना में यात्री या अन्य की दर मृत्यु होने पर 1,00,000 रुपया, दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में जबकि प्रभावित यात्री अन्य व्यक्ति ऐसी पूर्ण स्थायी सक्तता जो नियोजन उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में बाधक हो, इसमें निम्नलिखित मामले भी सम्मिलित हैं। दो अंगों की पूर्ण हानि, दो नेत्रों की पूर्ण हानि 1,00,000 रुपया, दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में यथा टखने के ऊपर एक पैर की हानि, एक नेत्र की हानि, दोनों कानों के सुनने की हानि, दाहिनी कलाई या एक भुजा की हानि। यदि घायल व्यक्तियों को 20 दिवस या अधिक दिवस तक चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती रहना पड़े 40,000 रुपये। दुर्घटना में सामान्य रूप से घायल होने पर यदि घायल व्यक्ति को अनिवार्यतः 2 दिवस तक चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती रहना पड़े तो ऐसी स्थिति में 10,000 रुपये। जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यात्रियों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर जो सहायता अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कही वह बहुत कम है, क्या सरकार इसे बढ़ाने पर विचार कर रही? माननीय अध्यक्ष जी, 2007 में से लगातार यह राशि मान्यवर राशि मान्य और 50,000 रुपये मृतक आश्रित को दिया जाता मान्य और गंभीर दुर्घटना में घायल होने पर 50,000 रुपये की राशि हम का प्रावधान रहा मान्य पर। जो मैंने कहा कि घायल होने पर 20,000 रुपये और सामान्य घायल होने पर 5,000 रुपये देने की व्यवस्था 2007 से चली आ रही थी, लेकिन मान्य हमने 2017 में सार्वजनिक सेवा आयोग की दुर्घटना होने पर प्रभावितों को जिलाधिकारी द्वारा मेडिकल जांच में की गई संस्तुति के आधार पर राहत राशि विवरण में ये जो 1,00,000 रुपये की व्यवस्था, 40,000 की व्यवस्था, 10,000 की व्यवस्था मान्यवर, ये हमने 2017 में मान्यवर वृद्धि की है मान्यवर, वो आगे बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता। मान्य अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार गठन के बाद से अब तक कितना दुर्घटना में कितना अनुदान दिया गया? अनुदान राशि कितनी दी गई दुर्घटना मुआवजा? मान्य उसको हम आपको सूचना पहुंचा देंगे। मान्य कंडारी जी, मान्य अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा 2017 से लागू अब तक कुल कितने लोगों को इसका लाभ, कुछ संख्या? माननीय मंत्री जी, मैंने 2018 से मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि चंपावत जनपद में 11 दुर्घटनाएं हुई जिसमें मृतकों की संख्या 11 थी, 8 लोग गंभीर घायल थे, घायलों की संख्या 15 थी और देय धनराशि हमने 22,70,000 रुपया चंपावत जनपद में हमने वितरित किया मान्यवर। और मान्यवर मैं पूरा आपको पूरा दे दूं या लिखित भेज दूं आपके पास? देहरादून में मान्यवर 3 घटनाएं हुई जिसमें मृतकों की संख्या 2 थी, घायलों की संख्या 10 थी, देय राशि 3,00,000 थी, वो वितरित किया मान्यवर। बागेश्वर में भी 7 दुर्घटनाएं हुई जिसमें 1 की मृत्यु हुई, 2 घायल थे, 1,20,000 रुपया मान्यवर को दिया गया। पिथौरागढ़ में 4 दुर्घटनाएं हुई, 5 की संख्या थी, 5 मृतकों की संख्या, 2 घायल थे और 5,20,000 रुपये मान्यवर धनराशि जिसमें 2,00,000 रुपये हमने 3,20,000 रुपये हमने अमुक्त किया मान्यवर। इसी तरह नैनीताल में 8 दुर्घटनाएं हुई, 14 मृतकों की संख्या थी, 21 घायल थे, 16,10,000 रुपये हमने इसमें उन परिवारों को हमने वितरित किया है। रुद्रप्रयाग में भी 5 दुर्घटनाएं हुई जिसमें
दो की मौत हुई मान्यवर, 17 घायल थे, 3,70,000 रुपये हमने इसमें उन परिवारों को वितरित किया है मान्यवर। चमोली में भी 5 दुर्घटनाएं हुई जिसमें 13 की मौत हुई मान्यवर, 16 घायल थे और 14,60,000 रुपये में मान्यवर 14,50,000 रुपये हमने अवमुक्त किया है। 10 लाख की धनराशि बकाया, वो भी हम 10,000 की धनराशि बकाया उसको हम कुछ परिवारों को देंगे मान्यवर। जनवरी से अक्टूबर तक 12 दुर्घटनाएं हुई जिसमें 21 की मान्यवर मौत हुई, जिसमें 96 घायलों की संख्या 20 लाख रुपया मान्यवर हमने इस परिवारों को दिया है मान्यवर। ये पूरा विवरण मान्यवर पूरा उत्तरकाशी अल्मोड़ा टिहरी उधमसिंह नगर हरिद्वार पौड़ी पूरा विवरण अगर आपको आपको ये पूरी सूचना पहुँचा दी जाएगी। मान्यदेव जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब दुर्घटनाएं होती हैं तो उसके बाद जो मृतक हैं उनके आश्रितों को और जो घायल हैं उनको कितने दिन के अंदर अंदर ये जो सहायता राशि है उपलब्ध करा दी जाती है, अनिवार्यता कोई समय सीमा है? देखिए हमने कहा ना मेडिकल जांच के उपरांत जैसे ही हमारे पास सूचना प्राप्त होती है तत्काल हम धनराशि राहत राशि मुक्त करा देते हैं। चौधरी जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा, बहुत सारी ऐसी मोटर दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें डेड बॉडी रिकवर नहीं हो पाती है, ऐसे केसेस में जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में जब ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि पीड़ित व्यक्ति उस वाहन में था और उसकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे केसेस में जो उनके आश्रित हैं उनको 7 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो केदारनाथ आपदा के दौरान ये तय हुआ था कि अगर इस तरह में जुडिशियल इंक्वायरी में ये जाए कि उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करके जो लाभ है वो दिए जा सकते हैं। इसमें एक प्रश्न जो आपने उत्तर दिया है उसमें आपने लिखा है दाहिने कलाई, तो ये दाएं और बाएं का क्या भेद, दाई कलाई में मिलेगा और बाई कलाई में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है? हाँ वो स्पष्ट है, उस पर जो हमारे मानक है मैंने निर्धारित किए हैं उसी अनुरूप हम धनराशि इसमें दी जाती है, मानव के अनुरूप मानव निर्धारित किए हैं उसके अनुरूप हम धनराशि मुक्त करते हैं। बात माने विनोद चुमरी माने अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है, एक प्रश्न है कि जब किसी दुर्घटना में, कृपया शांत रहिए, किसी दुर्घटना में अंग भंग हो जाता है और उसके बाद जब वो व्यक्ति अपना कृत्रिम अंग लगाने के लिए जाता है तो देखने में आया कि उसकी राशि बहुत ज्यादा है और आप मात्र 1 लाख रुपए की उसको व्यवस्था कर रहे हैं, उसको अनुदान दे रहे हैं, तो क्या जो कृत्रिम अंग बनाने में जो व्यय होगा क्या उसको सरकार वहन करेगी या उसमें कुछ कंपनसेट करेगी, मैं जानना चाह रहा हूं। मान्यवर मैं आपके संज्ञान में आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि धनराशि बहुत मात्र 50,000 रुपया 2007 से चली आ रही थी मान्यवर, मृतक परिवारों को सब 50,000 मात्र मिलता था मान्यवर और जो घायल थे उनको 40,000 रुपया, हमने उसको बढ़ाकर 1 लाख किया है और उसको 50,000 किया मान्यवर, 20,000 था 20,000 मिलता था हमने 40,000 किया है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई विचाराधीन ऐसा प्रश्न ऐसा मामला नहीं है। धन सिंह नेगी जी, विचार तो इस पर विचार मान्यदेव जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए मृतकों के आश्रितों को माननीय मंत्री जी जवाब में आया कि 1 लाख की धनराशि दी जाती है, कभी कभी गंभीर दुर्घटनाएं होने के बाद सरकार के द्वारा इससे ज्यादा धनराशि की भी घोषणा की जाती है, ऐसी स्थिति में कई बार बहुत भ्रांति रहती है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सड़क दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक यात्री के आश्रितों के लिए क्या सरकार एकमुश्त धनराशि देती है या उससे बढ़कर भी देती है? मैंने स्पष्ट किया है कि परिवहन निगम द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा जो धनराशि मृतकों को, मृतक परिवारों को और घायलों को दी जाती है मान्यवर, उसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी इसमें धनराशि अवमुक्त होती रही है मान्यवर, और जो इस तरह के हादसे हुए हैं उसमें हमारी सरकार ने ठोस पहल भी की है और उनके आर्थिक इमदाद भी की है, मदद भी की है।